नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करने वाले रिव्यू आदि पुरुष। दोस्तों ये मूवी जब से आई थी, ट्रेलर आया था उसका बहुत बस था कि रावण का फेस है, उसके रिलेटेड बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही थी, VFX के लिए बहुत उसको हंसी उड़ाई गई थी, बहुत ट्रोल हो गई थी। वी आज फाइनली थिएटर में आ गई है। मैं बताता हूँ मुझे कैसी लगी। दोस्तों मुझे ये मूवी अच्छी लगी है। दोस्तों जी हाँ, जो भी कोई कह रहे, मुझे ये 3 घंटे की मूवी अच्छी लगी है। दोस्तों ये डायरेक्टर ने जो भी ये कॉन्सेप्ट लाया है ना, तो ये 2-एज स्क्वाड वाली बात है, क्योंकि यार इतने बड़ा ग्रंथ है रामायण, वाल्मीकि रामायण, कितनी बड़ी बात है। अगर इसको आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में दिखाना है तो आप सब कुछ दिखा नहीं सकते, और आपको कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। पर दोस्तों जो 3 घंटे में उन्होंने दिखाया है वो सुंदर से तरीके से दिखाया है। बहुत सारे नेगेटिव है इसमें दोस्तों, पर यार मुझे तो ओवरऑल एज अ फिल्म, एज अ 3 घंटे की मूवी, उसमें आप राम सीता का कैरेक्टर देख लीजिए, रावण देख लीजिए, हनुमान का कैरेक्टर देख लीजिए, म्यूजिक देख लीजिए, बहुत BGM तो अजय तुल का बहुत ही शानदार था, विजुअल्स देख लीजिए, तो यस ओवरऑल दोस्तों ये इमोशंस कनेक्ट किया, मुझे गुजबम्स आए। मैं ऐसा नहीं, मतलब मुझे तो रियल में गुजबम्स आए। और मैंने मतलब तो 10 लोगों को मैंने पूछा है, मेरे पास वीडियो नहीं है, पर मैंने 10 लोगों को पूछा है, 6 लोगों को अच्छी लगी है, 3 लोगों को नहीं अच्छी लगी, और एक तो बोल रहा था कि भाई एक को सिर्फ की कार्टून है या फिर वीडियो गेम देख रहा है, ऐसा लगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो दोस्तों मुझे तो अच्छी लगी। अगर आप वो नेगेटिव से देखना चाहेंगे ना कि नहीं क्या गलत है, ये गलत है, गलत, तो आपको बहुत सारी लंबी लिस्ट मिल जाएगी, मैं भी आपको बताऊंगा। पर दोस्तों और एज ए नर्शन मूवी देखे तो ये मूवी अच्छी है। मतलब डायरेक्टर ने 3 घंटे में जो भी दिखाया है, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा सकते थे। कुछ फ्लॉज है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पहली बात है कि मुझे पर्सनली प्रभास का कैरेक्टर इतना राम के रूप में अच्छा नहीं लगा, दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। शायद रामचरण होते या महेश बाबू होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। रामचरण को तो हमने RRR में भी देखा था, तो वो ज़्यादा सूट कर रहे थे, तो एक बात हो गई। दूसरी बात दोस्तों, इसमें VFX का बहुत बज़ है, तो अगर आप VFX को ही सिर्फ देखने जाके VFX कैसा है कैसा है, VFX कैसा है ये कैसे, तो फाइट में मुझे थोड़ा लगा, पर अगर आप एज अ होल मूवी देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप VFX को पकड़ के VFX को ही ढूंढने जाके गलतियाँ, तो डेफिनेटली आपको कुछ फ्लॉज लगेंगे। और जब भी मतलब मुझे फाइट सीन में ज़्यादा लगा, बाकी जो जंगल में वगैरह सीन है उसमें कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तीसरी बात दोस्तों, रावण में भी बहुत बस चल रही थी कि जो इसको दिखाया है असफ अली खान को, चंगेज खान जैसे दाढ़ी वाला, तो दोस्तों अगर रावण की दिमाग में हमारे इमेज है वो पुराने वाली रामायण की है, तो दोस्तों आपको नहीं अच्छी लगेगी कि भी लंकापति रावण कैसा मुगट है उसका, और पूरी लंका होती है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों वो ये कलयुग की रामायण है, वो सत्ययुग की रामायण थी। तो अगर आपको पहली रामायण जो बनाई थी रामानंद सागर ने, उसको लेके आप जाएंगे और उससे कंपेयर करते रहेंगे, तो ये मूवी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली। तो अगर वो एक्सपेक्टेशन से आप जा रहे हैं, तो दोस्तों 3 घंटे में आई डोंट थिंक सो कि आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी। तो 3 घंटे में जितना भी दिखाया है, मैं उसी तरह से बोल रहा हूँ कि नहीं अच्छी थी। मतलब मुझे और मेरी वाइफ को भी अच्छी लगी थी, और मैं 10 लोगों को पूछा उसमें से 6 को अच्छी लगी थी, तो मतलब बोल सकते हैं 12 में से 8 लोगों को अच्छी लगी है। दोस्तों ये मेरे पर्सनल ओपिनियन की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी नेगेटिव मुझे दोस्तों ये लगा कि यार जो हनुमान का कैरेक्टर है मुझे ठीक जमा नहीं, और बाद में जो फाइटिंग होती है ना, तो वो प्लेनेट ऑफ एप्स देख रहे उसकी ज़्यादा झलक आ रही थी। हाँ ये मूवी आपको लगेगा देख के कि नहीं हॉलीवुड की बहुत सारी मूवी का कॉम्बिनेशन है, पर दोस्तों मुझे तो उसका VFX और CGI मुझे अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्ट, इतना बुरा भी नहीं है कि नहीं गंदा है बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात नेगेटिव में ही बोलूँगा दोस्तों, लंका मतलब ये सोने की नहीं है, बोले आप कोयले की है, तो एक काली काली लंका है वो भी क्यों ऐसा किया, मतलब ये थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। अगर किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा। और रावण को भी दोस्तों जो सैफ अली खान की एक्टिंग है ना वो बहुत शानदार है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप रावण को भूल जाएगा अगर ये मूवी आप सिर्फ मूवी की तरह से देखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है, क्योंकि रावण का कैरेक्टर उसको बहुत शानदार तरीके से प्ले किया है, वो हमको गुस्सा आ जाता है। पर फिर आता है कि डायलॉग्स भी कोई अच्छा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखो मुझे तो वो डायलॉग्स अच्छे नहीं लगे कि वो लंका में जाते हैं, वहाँ बोलते क्या तेरी बुआ के बाग में क्या घूमने आ गया, फिर वो हनुमान बोलता है कि जलेगी तो पता चलेगा, अब जिसकी जलेगी उस अब तेरी जलेगी, जलेगी जलेगी वाला डायलॉग था, मुझे वो क्रिंजी लगा। पर दोस्तों थिएटर में सब हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि सबको अच्छी नहीं लगती। थिएटर में माहौल भी अच्छा था, मुझे भी अच्छी लगी। ओवरऑल कुछ नेगेटिव है उसमें, पर दोस्तों ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहने वाली है, जो भी कोई बोले मुझे अच्छी लगी है, बहुत सारों को भी अच्छी लगी है। कोई सिर्फ नेगेटिव ढूंढने जाएंगे तो हाँ नहीं अच्छी लगेगी कि भाई राम का आपने मॉडिफिकेशन किया है, ये अपमान है वगैरह वगैरह। तो यार मूवी को आप मूवी की तरह लीजिए, 3 घंटे में सब कुछ दिखाना ये पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको नेगेटिव बता दिए, पॉजिटिव बता दिए, तो यस आप डिसाइड करें आपको देखनी है कि नहीं देखनी। जो भी है 500 करोड़ की मूवी प्लस 200 करोड़ उन्होंने मॉडिफिकेशन में डाला है, पर दोस्तों ये मूवी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अर्न कर लेगी,
ये मेरा आप देखना, मेरे प्रेडिक्शन सही होने वाला है, चाहे लोग कुछ भी बोले। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इतनी खराब है, डेफिनेटली मेरे तरफ से 3.5 सर आउट ऑफ 5। आपके पापा मम्मी को, मेरे पापा मम्मी को तो ये अच्छी नहीं लगी क्योंकि उनके वो रामानंद सागर वाली के राम सीता दिमाग में घुस गए, तो उन लोगों को ये दिखाना वो अच्छी बात नहीं है। बच्चों को कुछ यंगस्टर को अच्छी लगेगी और इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। अगर आप पुरानी रामायण को लेके चलेंगे तो आपको नहीं अच्छी लगेगी, आपको एज अ मूवी की तरह देखेंगे, आप एज एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। फिर तो आप पर है, मतलब आपको उसको घटिया साबित करना है कि नहीं घटिया है तो आप वो फ्लॉज ढूंढ सकते हैं कि नहीं ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, पर आपको पॉजिटिव है। तो मुझे भी बहुत बार गूज़बम्प्स आ गए जब राम और हनुमान जी को उसका मतलब प्रभास वो हनुमान जी को गले मिलता है, वहाँ पर गूज़बम्प्स आए। जब वो पूरी सेना को ललकार रहा था प्रभास, वो डायलॉग में भी मुझे गूज़बम्प आ गए। और एंड में भी जब पूरा सब इकट्ठे आते हैं वो पूरा सीन है, उसमें भी मुझे गूज़बम्प्स आ गए। एक्टिंग तो ओवरऑल दोस्तों सबकी अच्छी है। मैंने बोला ना कि हनुमान का कैरेक्टर ठीक ठाक लगा, लक्ष्मण का कैरेक्टर मुझे ठीक नहीं लगा, सनी सिंह कर रहे वो फ्लैट था। और लंका में कोई आदमी नहीं दिखाया, लंका पूरी लंका है बोल रहे कि आप लंका, वो वहाँ पर आता है विभीषण बोलता है कि लंका के कोई आदमी को प्लीज कोई इंजरी मत करना, उसको मत मारना आप। पर दोस्तों यहाँ लंका में पूरे सब क्रिएचर्स ही है, वहाँ कोई आदमी रहता ही नहीं है, तो ऐसी कैसी लंका की बस ऐसे विचित्र जानवर ही है आपके पास, कोई नॉर्मल सा इंसान ही पूरी लंका में नहीं है। तो बहुत जगह पे मेकर से गलती कर दी, इतने करोड़ डाल दिए तो बहुत बेहतर बन सकती थी। आप इसी वीएफएक्स से आप कुछ स्टोरी टेलिंग अच्छा करके, कैरेक्टर को अच्छे बना के, मतलब उसका लुक ओवर अच्छा करके और एक दो कैरेक्टर चेंज करके और थोड़ा डायलॉग अच्छे लिख के आप बहुत ज़्यादा अच्छी बना सकते थे। पर दोस्तों वन टाइम डेफिनेटली मेरे हिसाब से वॉचेबल है, आपको अच्छी लगी नहीं लगी वो आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव है। थैंक यू सो मच।